हेलो 8th क्लास, आज हम स्क्वायर रूट्स स्टार्ट करेंगे. ओके, सो स्क्वायर रूट होता क्या है, इसको कैसे निकालना है. तो इसके लिए सबसे पहले दो मेथड होते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए. एक मेथड होता है, मैंने आपको बोला स्क्वायर रूट निकालने के लिए दो मेथड्स होते हैं. एक मेथड होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है. इसको मैंने और भी एक दो क्लासेस में आपको बताया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है. और दूसरा मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि हम आज नहीं सीखेंगे, हम उसे नेक्स्ट क्लास में अटेम्प्ट करेंगे. ओके, तो अभी हम जिस मेथड पे फोकस करेंगे वो है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए सबसे पहले बुक का क्वेश्चन लेती हूँ. उसमें आपको देखो लिखा हुआ है, जैसा लिखा होगा वैसे ही आपको करना है. तो क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट. क्या लिखा है? स्क्वायर नहीं लिखा है, लिखा है स्क्वायर रूट. तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. मतलब जो भी आपको नीचे गिवन है, ये 12 क्वेश्चंस, राइट, 12 पार्ट्स जो हैं इस क्वेश्चन के, उन सबका आपको स्क्वायर रूट निकालना है. लेकिन मेथड कौन सा होना चाहिए? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सबसे पहली बात, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको क्या बताया था? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा प्राइम नंबर्स लेते हैं. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, राइट. कोई भी गलती नहीं करेगा, सिर्फ ये नहीं बोलेगा कि एक फैक्टर होता है, इनके दो फैक्टर होते हैं. कैसे? जैसे कि मैंने अगर कोई फैक्टर, जैसे कोई नंबर लेते हैं प्राइम नंबर 19, एक और ले लेते हैं 17. तो 19 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक है 1 और एक है 19, राइट. एक तो वही नंबर जिस जो है प्राइम नंबर, वो खुद उसका फैक्टर है, और दूसरा 1 है. उसी तरीके से 17 के भी दो फैक्टर हैं. तो प्राइम नंबर के हमेशा दो फैक्टर्स होते हैं. यही रीज़न है कि हम 1 को कभी भी प्राइम नंबर कंसीडर नहीं करते, क्योंकि 1 का सिर्फ एक फैक्टर होता है, वो क्या है? 1. ओके, तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो ये कितना है? 81. तो अब किस तरीके से इसको फाइंड आउट करना है, आप देखो. तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 81, ठीक है. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए मैंने कहा था एक लाइन खींचना, नंबर यहाँ पे लिखा, ठीक है. सबसे पहले यहाँ पर क्या है? पीछे एंड देखो, डिजिट क्या है? 1, ठीक है. तो इसका मतलब ये 2 से तो नहीं जाएगा. नेक्स्ट नंबर लेते हैं, कौन सा? 3, ठीक है. 8 और 1 को जब हम प्लस करते हैं तो क्या आता है? 9, और 3 की टेबल में 9 आता है. तो इसका मतलब हम इसे, 3 हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर है, तो उससे हम इसे फैक्टराइज करेंगे. तो कितना जाएगा? 3 कितना आ जाएगा? 2 जा 6, ओके. उसके बाद फिर 3 7 जा 21. जिसको ये चीज़ नहीं समझ में आया कि ये कैसे आया, तो वो एक रफ कॉलम बनाएगा और उसमें जो नंबर है उसको लिखेगा ऐसे 81, और जिस नंबर से वो डिवाइड कर रहा है या फैक्टराइज कर रहा है उसको बाहर लिखेगा, ठीक है. इसके बाद अब नॉर्मल डिवाइड करना तो सबको आता है, तो हमने करा 3 2 जा 6, ठीक है. 8 में से 6 गया, कितना आ गया? 2. यहाँ पर इसका नेक्स्ट डिजिट उतार लिया, 21 बन गया. 3 7 जा 21. अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो यहाँ पर नंबर आएगा उसी को उठा के हमें यहाँ पर लिखना होता है. देखिए 27 और 27, ओके. अब फिर हमारा ये 3 से जाएगा, 3 की टेबल में. अब ये तो आसान है, 27 कितनी टाइम्स? 9 टाइम्स. फिर 3 की, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? जो भी यहाँ पे नंबर दिया है उसको हम सबसे पहले इस तरीके से लिख लेंगे. ये जो है सिंबल, ये सिंबल, इसको हम स्क्वायर रूट का सिंबल मानते हैं, ठीक है. इसके अंदर हमने इसको डाल दिया, ठीक है. अब ये जो भी हमारे पास ये फैक्टर्स आए हैं, इनको हम लिख लेंगे. लिख लिया. 3 हमारे पास कितने टाइम्स आया था? 4 टाइम्स लिख लिया बेटा, ठीक है. अब क्या करना है? मैंने क्या बताया था? हमें इनको पेयर में लेना है, तो इसका पेयर मतलब जोड़े में लेना है. तो इसका एक जोड़ा, तो एक 3 ले लो यहाँ से, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा लो. ये किसका हो? इसका भी एक 3 ले लो, तो 3 3 जा कितना हो गया? 9. इसका मतलब अंडर रूट 81 का आंसर कितना आया? 9. समझ में आ गया बच्चे? ओके, ठीक है. इसको लिख लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन समझने के लिए, अच्छा एक चीज़ और देखो, यहाँ पर हमारे इसकी डिजिट कौन सी है?
स्क्वायर रूट में जो हम नंबर रख रहे हैं इसकी डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट जिसे हम बोलते हैं क्या है, वन है। तो इसका मतलब वन क्या है, इवन है या ऑड, ऑड है, ठीक है। तो इसका मतलब जब हमारा पूरा नंबर क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका मतलब जो हमारा स्क्वायर रूट का आंसर निकलेगा वो भी क्या निकलेगा, आपका ऑड ही निकलेगा। नाइन हमारा क्या है, ऑड नंबर। ओके, समझ में आ गया, आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 196, तो ले लेते हैं नेक्स्ट 196। आप पीछे 6 है इसके, मैंने क्या बोला था, किसी भी नंबर के पीछे 02468 है आए, तो क्या करना है उसको, आपको 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करना है। जिसको आता है वेल डन, वो इस मेथड से करना स्टार्ट करो, जिसको नहीं आ रहा है रफ में लो, 2 से 196 को डिवाइड करो, तो तुम्हें आंसर इसका मिल जाएगा। तो कितना आएगा, 29 जा 18, 28 जा 16, फिर 2 से करा, 24 जा 8, 29 जा 18, अब किससे जाएगा, 7 से, 77 जा 49, ये हो गया कंप्लीट। ओके, अब इसका कैसे हम लिखेंगे, 196 अंडर रूट में, ठीक है। अब हमारा क्या क्या निकला है, 2 × 2 × 7 × 7, यही है, इसको भी इसी में डाल लो, ठीक है। अब हमारे पास क्या करेंगे, इसकी पेयर तो क्या निकला, 2, इसका पेयर, ये रूट से बाहर निकलते हैं जब भी हम ऐसे करते हैं, तो 2 × 7 = 14, तो ये हमारा आंसर आ गया इसका 14, ठीक है। अब ये नंबर कैसा था, 196 एक इवन नंबर है, इसका आंसर भी कैसा आया है, इवन नंबर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप अटेम्प्ट करना अपने आप, थर्ड अपने आप अटेम्प्ट करना, 729 अपने आप अटेम्प्ट करना, 841 अपने आप करना, अब 2025 मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा 6th पार्ट, ठीक है, 2025। सबसे पहले नंबर कैसा है, ऑड है या इवन, नंबर ऑड है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कैसा आएगा, ऑड आएगा। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं इससे, नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लेना है, 2 से नहीं जाएगा, पता है क्यों, क्योंकि पीछे 5 है, ठीक है। क्या ये 3 से जाएगा, तो 2 और 2 को प्लस करा कितना हो गया 4, और 5 को प्लस करा कितना हो गया 9, और 9 किससे जाता है, 3 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो हम 3 से स्टार्ट करते हैं, तो 3 × 6 = 18, ओके, 7 × 21, और 3 × 5 = 15, ओके। अब फिर दोबारा देखो, 7 और 6 कितना हो गया 13, और 5 प्लस करा कितना हो गया 18, क्या 18 3 से जाता है, यस। जिसको ये नहीं समझ में आ रहा, अभी मैं अलग से आपको करके दिखाऊंगी, अभी आप इसको समझो। अब ये 3 से हमने करा, तो 3 से जब हमने करा तो ये हो गया 3 × 2 = 6, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। अब क्या ये दोबारा 3 से जाएगा, बताओ मुझे, यस, क्यों, 2 और 2 = 4 और 5 = 9, और 9 3 से जाता है, तो करा 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, क्या ये फिर 3 से जाएगा, यस, 7 और 5 = 12, तो फिर दोबारा करते हैं, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, क्या अब ये 3 से जाएगा, तो 5 और 2 = 7 होता है, और 7 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये किससे जाएगा, 4 आपका क्या है, आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 5, 5 से करा कितने टाइम्स गया, 5 टाइम्स, ये हो गया ये, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, अंडर रूट में डाल दीजिए, 2025 = 2, इधर भी जो भी हमारी वैल्यूज आई है उसको अंडर रूट में डाल दीजिए, क्या क्या आया है, 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5, क्या कहा था मैंने, अंडर रूट से कौन कौन निकलेगा, जो पेयर में होगा, मतलब जो जोड़े में होगा, अकेला कोई भी नहीं बचना चाहिए, तो ये हो गया 3 × 3 × 5, तो कितना आ गया, 3 × 3 = 9 × 5 = 45, ओके, आया समझ में। अब मैं जो आपको ये बता रही हूँ कि मैं कैसे पता लगाती हूँ कि ये 3 से होता है, तो हमने ये रूल्स पढ़े हैं कि कौन सा नंबर कैसे, आपने 6th-7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा ये रूल, जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि बिना डिवाइड करे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये नंबर किसी प्राइम नंबर से या 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 3 से होगा या नहीं होगा, तो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये वाला नंबर आपको दिखाती हूँ कैसे पता लगाए, पहले
टू का तो हमें पता है लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, नहीं है, ठीक है, तो छोड़ दीजिए। तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से देखिए कैसे करा मैंने, इसको मैंने जितने भी नंबर थे उनको मैंने प्लस कर दिया, ठीक है, तो प्लस करा क्या हो गया, 2 और 0, 2 हो गया, फिर 2 में 2 प्लस करा कितना हो गया 4, 4 में 5 प्लस करा कितना हो गया 9। अब ये जो नंबर आता है हमें ये नंबर देखना होता है, क्या ये नंबर 3 से जाएगा, यस जाएगा, जाएगा ना, तो तब मैंने इसे 3 से डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। और जिसको ये भी नहीं समझ में आया तो वो इस तरीके से जैसे मैंने उसे करने के लिए कहा है ऐसे डिवाइड करके यहाँ पर वैल्यू रखे। अब कैसे आएगा, 3 6 18, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे भी 2 आ गया, फिर 3 7 जा 21, 2 में से 1 यहाँ पे 5, 3 5 जा 15, वही नंबर आ गया है 675। ओके, ठीक है, अब आपको आई गेस सारा समझ में आ चुका है अभी जो भी मैंने पढ़ाया है। तो बस यही मैं आज की क्लास यहीं पे एंड कर रही हूँ, आपको ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट होना चाहिए आपका।